ठीक है, एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है। मैं रोक रहा हूं गौरव आपको, और विधायक दल की बैठक जारी है, सीएम के नाम पर मंथन जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं दर्शकों को, अभी बीडी शर्मा विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। आदर्श पर इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ठीक ठीक, मैं लौट रहा हूं आदर्श के पास। सीएम के नाम पर मंथन जारी है इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी बीडी शर्मा विधायकों को संबोधित कर रहे हैं, किसी भी वक्त सीएम के नाम का ऐलान इसमें हो सकता है। विधायक दल की बैठक में अभी बीडी शर्मा का संबोधन, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और आपको बता दें कि वो फिलहाल वहां पर संबोधित कर रहे हैं इस विधायक दल की बैठक में, और ये खबर सामने आई है। आपके पास गौरव कोई अपडेट इसको लेकर, क्योंकि बीडी शर्मा का संबोधन इससे पहले क्या मनोहर लाल खट्टर का संबोधन हो चुका है? देखिए, ये एक जब भी इस तरह की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक होती है, तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें अगर बीजेपी कार्यालय में बैठक हो रही है तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, वहां पे अपनी पार्टी की जो उपलब्धि है वो बताते हैं, जो विधायक चुनकर आए हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि जो बैठक है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक है। ऐसे में यहां पर जितने भी अभी लोग बैठे हुए हैं, विधायक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी है। अब ऐसे में विधायक दल का नेता कौन होता है, इसको लेकर जो आगे बातचीत है, जो आगे का संबोधन है, वो मनोहर लाल खट्टर उसको फिर शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर जो संबोधन यहाँ पे बीडी शर्मा का हुआ है वो एक औपचारिकता के तौर पर एक पार्टी का जो एक कहे कि शुरुआत कही जाती है वो है। इसके बाद क्योंकि अब जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी, मनोहर लाल खट्टर इसके बाद बताएंगे, और वो ये भी बताएंगे कि क्या फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के लिए लिया हुआ है और कौन अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का होगा। क्योंकि देखिए, जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होती है तो ये उसके पहले ये भी बताया जाता है कि मध्य प्रदेश को किस तरह के नेतृत्व की जरूरत है, आखिर किस तरह का नेतृत्व है जो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार की प्राथमिकता होती है विकास, और नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा हमेशा विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास। इस नारे के साथ बीजेपी की सरकार सबसे पहले भारत में सरकार बनाती हुई हमें दिखी थी, और उसके बाद लगातार जो तमाम विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तमाम जो चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी लड़ी है, सबका साथ सबका विकास के साथ के नारे के साथ ही किया है। मध्य प्रदेश का जो चुनाव लड़ा मोदी के मन में, एमपी के मन में मोदी के नारे पर लड़ा, और ऐसे में ठीक मैं लौटूंगा अतुल के पास भी, लेकिन गौरव तब तक आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस नारे के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, तो इन विधायकों से ये भी कहा जाएगा कि जो नेतृत्व आला कमान ने चुना है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उसके पीछे क्या समीकरण रहे हैं, और जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में फिट किया जाएगा उसके पीछे क्या समीकरण रहे हैं। देखिए, अगर हम पूरे देश की बात करें, जहां जहां पे भी मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना है तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया अगर हम देखें तो कोई भी मुख्यमंत्री जो बीजेपी में अभी तक बनाए गए हैं उनकी किसी की भी उम्र 60 साल से ऊपर की नहीं रही है। मैं लौट रहा हूँ इसके बाद चलेंगे। अतुल, एक बार फिर से हम देख रहे हैं, थोड़ा सा जो कार्यकर्ता अभी शांत थे वो फिर से